यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक हो आप सब? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। आज घर की किचन में हम एक रेसिपी बनाएंगे, चिकन शावरमा, जिसके लिए मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन लेकर उसको मैंने इस तरह से मैरिनेट करके रखा है आधे घंटे के लिए। बंद गोभी लिए, उसको इस तरह से लशे काट कर रखे, शिमला मिर्च भी इस तरह से कटिंग किए और प्याज भी, टमाटर, और जायके के लिए मैंने टमाटो लिए, केचप, मायोनीज, सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर वीडियो पर आप नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम शुरू करें। हमने प्यारी सी कढ़ाई ली है, उसके अंदर में मैरिनेट चिकन डालूंगी, ये सारी इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छी तरीके से मिक्स करें इसको, ऑयल ऊपर आ गया है इसका। अब कैप लगाकर मैं छोड़ दूंगी। अब कवर हटाकर हम देखेंगे चिकन का पानी रिलीज हो गया है। अब इसको हम मिलाएंगे अच्छी तरीके से। ऑयल भी निकल आया है, चिकन भी गल गई है। चिकन ने अपना ही पानी छोड़ा था, उसमें ही गल गई। अब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो हमारा चिकन रेडी होगा। अभी इसका पानी है। हाफ प्याली मैंने मायोनीज ली है और लहसुन कूट कर उसको मैंने पानी में डाल दिया था। ये लहसुन का पानी है, अब वो इसमें शामिल करूँगी मैं। वो बनेगी। अगर आपके पास मायोनीज गार्लिक नहीं है, मायोनीज प्लेन लें और उसके अंदर हम गार्लिक का पानी शामिल करेंगे तो हमारी टेस्ट वही आ जाएगा। गार्लिक मायोनीज, हाफ स्पून विनीगर। यहाँ पर हमारी चिकन भी तैयार हो गई है, पानी भी खुश्क हो गया है, गल भी गई है। एक चुटकी नमक डालूंगी मैं, इसका टेस्ट वही आएगा गार्लिक मायोनीज का। वाइट पेपर में डालूंगी, हाफ से भी कम। ब्लैक इसमें नहीं डलेंगे, वाइट पेपर डलेगा। अच्छी तरीके से हम इसको पेस्ट बनाएंगे। ये हमारी गार्लिक मायोनीज तैयार हो गई। चिकन हमारी रेडी हो गई है, अब इसको मैं प्लेट में निकालूंगी। उसी कढ़ाई में मैं ये सारी चीज़ें पकाऊंगी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर। लास्ट में हम प्याज डालेंगे क्योंकि प्याज पानी छोड़ता है। अब इसको मैं धीमी आंच पर पकाऊंगी, हल्का सा। ये हमारा सॉफ्ट हो गया है, अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी। हल्का सा हमें रोस्ट करना है। ये भी हमारा रेडी हो गया है, अब इसको भी मैं प्लेट में निकालूंगी। ये भी हमारी कंप्लीट हो गई सब्जियां। शवरमा हम बनाएंगे फ्रोजन पीटा ब्रेड से। इसकी रेसिपी भी मैंने आपको दे रखी है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट करें, वहाँ पर मौजूद है। ऑयल लगाकर तवे पर मैं अच्छी तरीके से सिकाई करूँगी इसकी। कल बनाए थे पीटा ब्रेड, आज मैं इसका शवरमा बनाऊँगी। ऑयल लगाएं और सिकाई करती जाएंगे। मैं इसको
शवरमा बनाना सिखाऊंगी मैं किस तरह से ये पीटा ब्रेड बनाई थी कल, अब मैं इसको शवरमा बनाऊंगी। पहले हम ये जो गार्लिक मायोनीज बन वो डालूंगी, फिर इसके ऊपर मैं केचप डालूंगी। अब इन दोनों को ही मैं सारी रोटी पर लगाऊंगी। देखिए सारी रोटी पर मैंने ये गार्लिक वाली मायोनीज और केचप लगा लिए। अब मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी। फिर इसके ऊपर मैं एक स्पून डालूंगी ये हमारा शवरमा रेडी हो गया। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको मैं टूथपिन के साथ सेव कर दूंगी। अब इसमें मैं सारे बनाकर मैं आपको पूरी डिश रेडी करके दिखाती हूँ। ये सारे शवरमा मैंने रेडी करके रखे हैं। ये देखें इस तरह से मैंने पीटा ब्रेड बनाई थी और शवरमा भी साथ ही बना लिए। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।